अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल हैं जी सबके। दोस्तों, जैसा कि लास्ट वीडियोज़ में मैंने आप लोगों को बताया था कि आजकल हमने जितने भी ब्रीडर पेयर्स हैं वो अलग किए हुए हैं, मेल और फीमेल्स को अलग छोड़ा हुआ है। आजकल सब पेयर्स तोड़े हुए हैं। ये जो आप मेरे पीछे केजेस देख रहे हैं, मैंने इनमें मेल और फीमेल को अलग अलग शिफ्ट किया हुआ है। तो आज की वीडियो में मैं आपको अंदर चल के दिखाऊँगा सब मेल्स और फीमेल्स। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया, वो वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाएं। सबसे पहले जिस साइड पे मेल्स हैं वो देखते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको फीमेल्स वाली साइड पे ले जाऊंगा। तो चलें दोस्तों, केजेस के अंदर चल के देखते हैं क्या सूरत हाल है। इस साइड पर मेल्स हैं और इस केज में फीमेल्स हैं। तो चलें सबसे पहले हम मेल्स की तरफ चलते हैं। जी दोस्तों, ये सब के सब जोड़ों वाले कबूतर हैं। ये ब्रीडर मेल्स हैं इस साइड पर। इस वक्त जैसा कि सब दोस्तों को पता है कि मोल्टिंग सीज़न चल रहा है। तकरीबन 99% या तकरीबन आप समझ लें कि सारे ही कबूतर इस वक्त क्रीज में हैं, सब क्रीज चेंज कर रहे हैं। और दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस मौसम में नॉर्मली जो कबूतर हैं ब्रीडिंग वगैरह से रुक जाते हैं, अंडों से रुक जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने जिस्म की क्रीज चेंज करनी होती है। इंशाल्लाह 15 से 20 दिन तक तकरीबन सब कबूतर अपने जिस्म की क्रीज चेंज कर लेंगे और नए पार ले आएंगे, और 15-20 दिन तक मौसम भी चेंज हो जाएगा। तो फिर हम इंशाल्लाह इनको दोबारा से पेयरिंग में लगाना शुरू कर देंगे, जोड़े लगाना शुरू कर देंगे। और मैं दोस्तों को ये भी बताता चलूं कि ये सब के सब प्योर टेडी ब्रीडर कबूतर हैं, ये सब के सब नर हैं। तो चलें दोस्तों, अब दूसरे केज भी चलते हैं जहाँ पे सब फीमेल्स हैं, उस तरफ चल के देखते हैं जी क्या सूरत हाल है। जी दोस्तों, ये केज में सब फीमेल्स हैं। तो चलें ज़रा क्लोज होकर देखते हैं सब फीमेल्स, में आपको एक दफ़ा दिखाता हूँ। और जिस तरह आजकल मेल्स अपने जिस्म की क्रीज चेंज कर रहे हैं, उसी तरह फीमेल्स भी अपने जिस्म की क्रीज चेंज कर रही हैं। 15 से 20 दिन का ये प्रोसेस रह गया। 15-20 दिन तक तकरीबन सारे कबूतर नर और मादा जो हैं अपने जिस्म की क्रीज चेंज कर लेंगे। और दोस्तों, अगर आप गौर से देखें तो कुछ कबूतरों ने अपने जिस्म की क्रीज चेंज कर ली हुई है, और अब वो गर्दन की जो क्रीज हैं वो चेंज कर रहे हैं। अभी गर्दन के पर जो हैं उनके वो गिरे हुए और नए पर आना शुरू हो गए हैं। जिस्म की क्रीज चेंज करने के बाद जो कबूतर हैं वो अपने गर्दन की क्रीज चेंज करते हैं। और दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियोज़ में बताया हुआ है कि जब टेडी कबूतर अपने जिस्म की क्रीज चेंज करता है तो साथ साथ उसका कलर भी चेंज होता रहता है। तो जिन दोस्तों ने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी, वो वीडियोस का लिंक मैं आपके साथ इस वीडियो के एंड पे और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी शेयर करूंगा। तो इस वीडियो के बाद आप लोग वो वीडियो भी ज़रूर देखेगा। तो दोस्तों को आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट में अपनी अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप सब दोस्तों से फिर मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।